सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। तो इस बार 10 मई 2024 को केदारनाथ धाम मंदिर की ओपनिंग हुई, जो अब तक लाखों भक्तों ने दर्शन कर चुके हैं। अगर आप भी केदारनाथ जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे, संपूर्ण यात्रा जानकारी, जिसमें आपकी कितनी खर्च होगी, कैसे जाए, कहाँ से जाए, सब कुछ बताएंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या खाएं, होटल कहाँ पर लें, उसके बाद खाने का क्या है, यात्रा की सही तरीका क्या है, संपूर्ण घोड़े की पाली, हेलीकॉप्टर की रेट, सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। खाने पीने की व्यवस्था, ये सारे यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और संपूर्ण बजट और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए महादेव का नाम लेके इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं, और हर हर महादेव कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। चार धाम यात्रा में दर्शन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं वो केदारनाथ धाम ही है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आए। केदारनाथ जाने के लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना पड़ेगा। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बना हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। 20 से 30 रुपए का किराया देकर आप बस स्टैंड के पास में आ जाएंगे। दोस्तों, आप कोशिश करिए कि शाम को 6 बजे तक ऋषिकेश आ जाइए, और आने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट मॉर्निंग वाली बस की बुकिंग कर दीजिए। केदारनाथ के लिए बसें सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती हैं और लास्ट बस आपको सुबह के 9 से 10 बजे तक ही मिलती है। तो जैसे ही आप ऋषिकेश आइए, नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए अपनी बस की बुकिंग कर दीजिए। ऋषिकेश में रुकने की बात करें तो आपको बस स्टैंड के सामने ही बहुत से होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल्स के रेट 600 से स्टार्ट हो जाते हैं। आप आराम से सीतापुर, सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक टाइम से पहुँच जाएंगे। रास्ते में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का अद्भुत संगम भी देख सकते हैं। यहीं से माँ गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है। फिर श्रीनगर होते हुए आप माँ धारी देवी जी के भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक मंदिर है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच ये प्यारा सा मंदिर स्थापित है। फिर आप रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, फाटा होते हुए बहुत ही शानदार सफर पूरा करके सीतापुर तक पहुँच जाएंगे। यहीं पर बस स्टैंड बना हुआ है, बस वाले आपको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर आप कार से आते हैं तो सीतापुर से 1 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग है। तो सीतापुर पहुंचने के बाद में 1 किलोमीटर पैदल चलकर अब हम लोग आ जाएंगे सोनप्रयाग। दोस्तों, ऐसे तो आप सीतापुर या सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको 2,000 से 2,500 के बजट में एक डबल बेडरूम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर रुकने से सुबह सुबह आपको लाइन में लगना होता है। लाइन में लगकर ही आपको गौरीकुंड के लिए बुलेरो मिलती है। साथ ही साथ लाइन के माध्यम से ही आपका रजिस्ट्रेशन भी स्कैन होता है। आप जितना लेट होते जाएंगे, लाइन आपको उतनी ज्यादा लंबी मिलेगी। तो आप ये मान लीजिए कि 1 से 2 किलोमीटर तक की आपको लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप जब भी सीतापुर या सोनप्रयाग पहुँचे, तुरंत ही आप गौरीकुंड के लिए निकल जाइए। तो आपको आराम से बुलेरो मिल जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की रहती है। बुलेरो वाले आपसे फिक्स 50 रुपए का चार्ज करते हैं। तो बुलेरो का शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में रुकने की बात करें तो यहाँ पर बहुत से होटल्स, होम स्टेज और लॉज बने हुए हैं। 2,000 से 2,500 के बजट में आपको डबल बेडरूम मिल जाएगा। रात में अपने होटल में आराम करने के बाद सुबह सुबह इस पावन यात्रा को शुरू करेंगे। दोस्तों, गौरीकुंड में पवित्र गर्म कुंड है। आप अगर चाहें यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। पास में ही गौरी माता का प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है। गौरीकुंड मेन मार्केट को पार करते हुए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं पे पड़ता है घोड़ा पड़ाव। अगर आप घोड़े से इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो घोड़े वाले गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक के लिए आपसे 3200 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं पालकी की बात करें तो 90 किलो वजन तक के लिए 8,000 रुपए का चार्ज करते हैं। 90 किलो से वजन ज्यादा है तो 9,000 से 10,000 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर बास्केट या डोली करना चाहते हैं तो 25 किलो वजन तक के लिए 4,000 से 5,000 रुपए और 50 किलो वजन तक के लिए 8,000 रुपए का चार्ज करते हैं। इससे ज्यादा वजन के लिए 9,000, 10,000 या 11,000 रुपए तक का चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पावन यात्रा को पैदल ही पूरा करना चाहते हैं, तब तो सबसे ज्यादा अच्छा है आप
गौरीकुंड मार्केट से 40 से 50 रुपए में एक डंडा ले लीजिए। गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे जंगल चट्टी। दोस्तों, हम लोगों का पहला बड़ा स्टॉपेज पड़ता है। यहाँ पर रुकने के लिए GMVM के क्वार्टर्स भी बने हुए हैं। पूरे ही रास्ते खाने पीने के लिए दोनों ही साइड शॉप बनी हुई हैं, जहाँ से आप खाना पीना भी कर सकते हैं। जंगल चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर की और यात्रा करने के बाद में अब हम लोग आ जाएंगे भीमबली। ये हम लोगों का दूसरा बड़ा स्टॉपेज है, आगे रामबाड़ा के लिए चलेंगे। तो भीमबली से लगभग 1.5 किलोमीटर की और यात्रा को पूरा कर अब हम लोग आ जाएंगे रामबाड़ा। 2013 की आपदा से पहले ये एक गांव था, लेकिन आपदा आने पर ये पूरी तरह नष्ट हो गया। रामबाड़ा से पुल के माध्यम से मंदाकिनी नदी को पार करके अब हम लोग दूसरी साइड आ जाएंगे। यहाँ पर खाने पीने के रेट की बात करें तो हर चीज के रेट डबल से ट्रिपल रहते हैं। रेट ज्यादा होने के कुछ कारण भी हैं, क्योंकि नीचे से सारा सामान घोड़े या पिट्ठू के माध्यम से ऊपर आता है, इसी कारण से इनके रेट डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। चाय यहाँ पर आपको 20 से 30 रुपए, पानी की बोतल 40 से 70 रुपए, मैगी आपको यहाँ पर 50 से 70 रुपए में मिलती है। रामबाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे छोटी लिंचोली। फिर छोटी लिंचोली से और 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे बड़ी लिंचोली। रास्ते में आपको बहुत से शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। जगह जगह पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर आप बर्फ के बीचों बीच से होते हुए आगे का सफर पूरा करते हैं। तो दोस्तों, बड़ी लिंचोली से लगभग 5 किलोमीटर और दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे केदारनाथ बेस कैंप के पास में। यहीं पर घोड़ा पड़ाव है। अगर आप घोड़े से आते हैं तो घोड़े वाले आपको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की रह जाती है। तो चलिए, केदारनाथ बेस कैंप तक पहुँचने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर रुकने के लिए आपको बहुत से टेंट और कैंप्स मिल जाएंगे, या आप पहले से GMVM के टेंट्स या क्वार्टर्स की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। GMVM की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। वहीं GMVM के नंदी कैंप टेंट कॉलोनी में आपको ऑफलाइन टेंट भी मिल जाते हैं। 600 रुपए पर बेड के हिसाब से इनके चार्जेस रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से प्राइवेट टेंट्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर इनकी स्टार्टिंग 400 रुपए से हो जाती है। 700 रुपए तक के बजट में आप एक अच्छा सा टेंट ले सकते हैं। वहीं अगर आप मंदिर के पास में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ होटल्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर 1000 से 1500 के बजट में एक बेड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रुप में हैं तो 8000, 10000 या 15000 तक के बजट में आप एक बड़ा सा हॉल भी ले सकते हैं। तो चलिए, रात में हम लोग अपने टेंट में आराम करेंगे और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, दर्शन करने से पहले आपको यात्रा टोकन लेना रहता है। जो आपके पास में रजिस्ट्रेशन रहता है उसी को स्कैन करके आपको टोकन दिया जाता है। दोस्तों, आप 2 से 3 बजे सुबह जल्दी लाइन में लग जाइए। 3 बजे से 5 बजे तक गर्भगृह में प्रवेश रहता है। आप केदार बाबा को बहुत ही पास से छूकर दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। 5 बजे के बाद में दूर से ही केदार बाबा के दर्शन मिलते हैं। आप जितना लेट होते जाएंगे दर्शन में उतना ही टाइम लगेगा। इस टाइम बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, तो दर्शन करने में आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो लाइन में लगकर महादेव जी का जयकारा लगाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंदिर में प्रवेश कर केदार बाबा के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर। दोस्तों, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आप केदारनाथ आपको दर्शन को भाग्य मिला और आपको बाबा ने बुलाया है, और कमेंट के माध्यम से हर हर महादेव जरूर लिखें। वहीं अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में काउंटर बना हुआ है। 1100 रुपए में आपको टोकन मिल जाता है। मात्र 15 से 20 मिनट में आप बहुत ही आराम से केदार बाबा के दर्शन प्राप्त कर लेंगे। तो केदार बाबा के दर्शन करने के बाद में मंदिर के पीछे रखी भीमशिला के दर्शन जरूर करें। 2013 की आपदा में इसी पवित्र भीमशिला ने मंदिर को सुरक्षित रखा था। इसके अलावा मंदिर के आसपास जितने भी होटल, धर्मशाला और जितना कुछ बना था सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को जरा सी भी खरोच नहीं आई। इसी से आप भगवान के होने का एहसास कर सकते हैं। तो आप इस पवित्र भीमशिला के दर्शन जरूर करें। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप भैरव घाटी पर भी जा सकते हैं, जो केदारनाथ से 2 किलोमीटर चढ़ाई करके आपको जाना रहता है। यहाँ पर आप भैरव बाबा के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से केदारनाथ घाटी के बहुत ही शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। तो आप भैरव घाटी में जाकर भैरव बाबा के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पावन यात्रा को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेलीकॉप्टर की पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी रहती है। आप
helyatra.irctc.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इस वेबसाइट के अलावा और किसी भी वेबसाइट से इसकी बुकिंग नहीं होती है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। हेलीकॉप्टर के रेट्स की बात करें तो फाटा से राउंड ट्रिप के लिए 6,074 रुपए, सिरसी से राउंड ट्रिप के लिए 6,072 रुपए और गुप्तकाशी से राउंड ट्रिप के लिए 8,426 रुपए का चार्ज लिया जाता है। अभी 20 जून तक के लिए सभी स्लॉट फुल हो गए हैं। 21 जून से 14 सितंबर के लिए बुकिंग होने वाली है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसके अपडेट्स लेते रहें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सख्ती हो रही है, जगह जगह रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे हैं। आप उत्तराखंड टूरिस्ट केयर की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहे होंगे, इसको सेव करने के बाद में आप यात्रा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उधर से स्टेप बाय स्टेप आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप सभी को सेलेक्ट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट में आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन चेक हो इसको दिखाकर आप अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आने के लिए आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों, आप 5 days और 4 nights का प्लान बना सकते हैं। इतने टाइम में आप बहुत ही अच्छे से केदारनाथ यात्रा को पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर जरूर चलें, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी घंटों तक का जाम लग जाता है, या इसके अलावा किसी कारण से यात्रा को बंद भी कर दिया जाता है। तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर जरूर चलें। दोस्तों, इस पावन यात्रा को पूरा करने में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो आप अपने साथ में कुछ जरूरी सामान जरूर रखें। आप अपने साथ में मेडिसिन जरूर लाएं। इसके अलावा अम्ब्रेला, रेनकोट, टॉर्च, पावर बैंक, गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, ग्लव्स, टोपी, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, पेन किलर, पेन रिमूवर जेल भी जरूर रखें। ये सभी आइटम्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे? दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश से बस के माध्यम से आते हैं और इस पावन यात्रा को पैदल पूरा करते हैं, साथ ही साथ केदारनाथ में टेंट में स्टे करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 7,000 से 8,000 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।